India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएमएलए कोर्ट में केजरीवाल पर सुनवाई के दौरान ईडी ने मांगी 10 दिन के रिमांड, कहा केजरीवाल घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता। वहीं सुनवाई से पहले केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका वापस ली। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट को किया रद्द, कहा एक्ट है असंवैधानिक। अल्पेश यादव को गौतम बुद्ध नगर एनडीपीएस कोर्ट से मिली बेल, और रेव पार्टियों में सांपों के जहर सप्लाई मामले में है आरोपी। India Legal presents Courts Roundup. कोर्ट से जुड़ी खबरें अब विस्तार से। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में सीएम केजरीवाल की रिमांड पर पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी ने अपनी दलील में कहा कि अरविंद केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता हैं। केजरीवाल ने दूसरे नेताओं के साथ मिलकर साजिश रची है, उन्हें रिमांड में लेकर पूछताछ करना जरूरी है। ईडी ने कहा कि केजरीवाल को अन्य से आमना सामना करवाना है, मनी ट्रेल की रिकवरी करनी है, इस रिमांड देने के लिए फिट केस है। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है। वहीं केजरीवाल की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने रिमांड की मांग का कड़ा विरोध किया और कहा कि बिना तथ्य रिमांड नहीं मिलेगा। एजेंसी को केजरीवाल की गिरफ्तारी की क्या जरूरत है? कथित शराब नीति घोटाले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के रिमांड पर ईडी की मांग थी कि जिस पर एमएलए कोर्ट ने सुनवाई की। वहीं सुनवाई के लिए जाते हुए केजरीवाल ने कहा कि मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब व्यापारियों से रिश्वत मांगने के मुख्य साजिशकर्ता है। केजरीवाल ने दूसरे नेताओं के साथ मिलकर साजिश रची। केजरीवाल शराब नीति की कार्यान्वयन में सीधे रूप से शामिल थे। पीएमएलए के तहत इस पूरे मामले में उन पर कई आरोप है। ईडी ने कहा कि एक्सपर्ट कमेटी जिसका काम शराब नीति के लिए राय लेने का था, उसने कोई काम नहीं किया। मनीष सिसोदिया ने भी मामले में मुख्य भूमिका निभाई। सिसोदिया की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। विजय नायर केजरीवाल के लिए काम कर रहा था, वह आम आदमी पार्टी और साउथ ग्रुप के बीच बिचौलिए का काम कर रहा था। इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया ने विजय नायर को केजरीवाल के घर बुलाया और शराब नीति से जुड़े दस्तावेज दिए। एस राजू ने कहा कि विजय नायर साउथ ग्रुप और केजरीवाल के साथ के कविता के लिए मिडिल मैन और उनके लिए काम कर रहा था। ईडी ने कहा कि केजरीवाल ने साउथ ग्रुप से किकबैक लेने के लिए उनके हिसाब से शराब पॉलिसी में बदलाव किए।
एएसजी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने एहसान के बदले साउथ ग्रुप से रिश्वत की मांग की। इस बात की पुष्टि बयानों से होती है। केजरीवाल सीधे तौर पर नीति निर्माण में शामिल थे। केजरीवाल गोवा चुनाव अभियान के साथ साथ अपराध की आय के प्रबंधन में भी शामिल थे। केजरीवाल पार्टी के मुखिया है। एएसजी राजू ने राघव मुंगटा के बयान का हवाला दिया कि केजरीवाल चुनाव के लिए 100 करोड़ की फंडिंग चाहते थे। मुंगटा पिता पुत्र दोनों ने इस बयान की तस्दीक की है। वह मामले में सरकारी गवाह बन चुके सारथ रेड्डी का बयान है कि केजरीवाल चाहते थे कि उनके पिता दिल्ली में शराब कारोबार का चेहरा बने। उस बयान के मुताबिक केजरीवाल ने शरद रेड्डी को विजय नायर पर भरोसा रखने को कहा था। विजय नायर केजरीवाल का दाहिना हाथ है। वो केजरीवाल के लिए किकबैक इकट्ठा करता था, पॉलिसी लागू कराना और जो ना माने उसे धमकाने का काम करता था। एएसजी ने कहा कि अपराध की आय में न केवल वह 100 करोड़ रुपए की रिश्वत बल्कि रिश्वत देने वालों द्वारा कमाया गया मुनाफा भी शामिल है, जो 600 करोड़ रुपए से अधिक था। साउथ ग्रुप से मिले 45 करोड़ का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने 2021 से 22 में गोवा कैंपेन में किया। एएसजी ने कहा कि सभी विक्रेताओं ने कुछ हद तक रिश्वत नकद भुगतान किया। हमारे पास चैट भी है जो इसकी पुष्टि करते हैं। अधिकांश विक्रेताओं ने अधिकतम सीमा तक नकद भुगतान किया। एएसजी राजू ने कहा कि एक सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में खुलासा किया कि विजय नायर के निर्देश पर उसने 31 करोड़ रुपए दिए थे। एएसजी राजू ने कहा कि केजरीवाल का सारा काम विजय नायर ने किया और नकदी इकट्ठा करना और लोगों को धमकाना इसका काम था। एएसजी राजू ने कहा कि गोवा में हवाला के जरिए 44 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। एएसजी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर सम्मान की अवहेलना किया है। वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है। इसके बाद केजरीवाल की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी। सिंघवी ने ईडी के रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि बिना तथ्य रिमांड नहीं मिलेगी, एजेंसी को केजरीवाल की गिरफ्तारी की क्या जरूरत। ईडी गिरफ्तारी का कारण बताए, उनके पास गिरफ्तार करने की शक्ति होने का मतलब ये नहीं कि आपके पास गिरफ्तार करने की अनिवार्यता है। सिंघवी ने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है और उनकी पार्टी के पहले 4 नेताओं को गिरफ्तार किया गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे पहला वोट डालने से पहले ही आपको नतीजे पता चल गए हो। सिंघवी ने कहा कि ईडी द्वारा लगातार वही 3-4 नामों का सहारा लिया जा रहा है। सभी मामलों में पैटर्न बिल्कुल एक जैसा ही है। ईडी का पूरा रिमांड आवेदन गिरफ्तारी नोट की कॉपी है। सिंघवी ने पूछा कि गिरफ्तारी का आधार क्या है। गवाहों के बयान, राजू का दिया हुआ बयान दर्ज है जिसमें उन्होंने कहा कि हमें केजरीवाल की हिरासत की जरूरत नहीं है। ईडी का अब ये नया तरीका है कि पहले गिरफ्तार करो, फिर उनको सरकारी गवाह बनाकर मनमाफिक बयान ले लिया जाए और इसके बदले उनको जमानत दे दी जाए। सिंघवी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सभी नेता जेल में हैं। चुनाव नजदीक है, इससे संविधान की मूल संरचना प्रभावित होती है। इसका असर लोकतंत्र पर पड़ता है और लोकतंत्र में समान अवसर होने चाहिए। केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंघवी ने कहा कि जांच में शामिल अब तक 50% लोगों ने केजरीवाल का नाम नहीं लिया, जबकि 82% लोगों ने केजरीवाल के साथ किसी डीलिंग का कोई जिक्र नहीं किया। सिंघवी ने कहा कि जब दिल्ली हाईकोर्ट के समन को चुनौती दी गई तो ईडी ने समय मांगा और अगले दिन केजरीवाल ने गिरफ्तारी के संरक्षण मांगा। उस पर ईडी ने जवाब देने के लिए समय मांगा और उसके कुछ ही देर बाद केजरीवाल को गिरफ्तार करने पहुंच गए। वहीं कल दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी ने कहा कि हम केजरीवाल को उनकी निजी हैसियत से बुला रहे हैं। ईडी आज उन्हें पार्टी का कर्ता धर्ता बता रही है और कोर्ट के सामने इस बाबत बहुत सारी सामग्री कोर्ट में पेश कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद तमिलनाडु गवर्नर आरएन रवि के पोनमुड़ी को मंत्री पद की शपथ दिलाने के लिए सहमत हो गए हैं। पोनमुड़ी को राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में फिर से शामिल करने से इनकार करने पर तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। राज्यपाल के आचरण पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कोर्ट ने उन्हें 24 घंटे के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। फैसले में कहा गया कि रवि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं।
तमिलनाडु गवर्नर आरएन रवि के सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानने से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। तमिलनाडु गवर्नर आरएन रवि ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उन्होंने विधायक के पोन मुडी को राज्य कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी ने सीजीआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ को बताया कि गवर्नर ने बता दिया कि उनका न्यायालय की अवहेलना करने का कोई इरादा नहीं था। अटॉर्नी जनरल ने प्रस्तुत किया कि गवर्नर के अनुसार उन्होंने इस मुद्दे पर केवल सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णयों के आधार पर निर्णय लिया। उन्होंने कहा, राज्यपाल ये बताना चाहते हैं कि माननीय न्यायालय के किसी भी आदेश की अवहेलना करने का उनका इरादा बिल्कुल भी नहीं था। न्यायालय के कुछ निर्णयों और कुछ समझ के आधार पर उन्होंने एक विचार रखा। तमिलनाडु राज्य के सीनियर एडवोकेट पी विल्सन ने कहा कि संवैधानिक नैतिकता की आवश्यकता वाले मामलों में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से संसदीय लोकतंत्र को बचाए रखने में मदद मिलती है। संसदीय लोकतंत्र आपके प्रभुत्व के कारण जीवित है। कोर्ट ने विधायक के पोनमुडी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद भी मंत्री के रूप में फिर से शामिल करने से इनकार करने पर तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि पर नाराजगी व्यक्त की थी। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी को संबोधित करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, मिस्टर अटॉर्नी जनरल, आपके गवर्नर क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी है और गवर्नर का कहना है कि वो उन्हें शपथ नहीं दिलाएंगे। हमें कुछ गंभीर टिप्पणियां करनी होंगी, कृपया अपने गवर्नर को बताएं, हम इस पर गंभीरता से विचार करने जा रहे हैं। सीजीआई ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, गवर्नर ये कैसे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी सजा पर रोक लगाने के बाद मंत्री के रूप में उनका दोबारा शामिल होना संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ होगा। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पोनमुडी को मंत्री के रूप में फिर से नियुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा की गई सिफारिश को स्वीकार करने के लिए राज्यपाल को निर्देश देने की मांग की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भारत राष्ट्र समिति या बीआरएस की नेता के कविता को कोई तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है, जिन्हें हाल ही में ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की विशेष पीठ ने कहा कि उनको जमानत के लिए निचली अदालत का रुख करना होगा। के कविता को अदालत ने धनशोधन निवारण अधिनियम या पीएमएलए के प्रावधान के खिलाफ कविता की चुनौती में नोटिस जारी किया और मामले को विजय मदनलाल फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं के साथ जोड़ दिया। कविता के खिलाफ मामले के गुण दोष पर कुछ भी कहने से इनकार करते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि उसकी जमानत याचिका पर जल्द फैसला किया जाए। ईडी द्वारा गिरफ्तारी के तुरंत बाद कविता ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। दिल्ली की एक अदालत ने 16 मार्च को उन्हें एक सप्ताह के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था। ईडी की एक टीम द्वारा परिसर की तलाशी लेने और उससे पूछताछ करने के कुछ घंटों बाद कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। आज सुनवाई के दौरान सिब्बल ने शुरू में ही अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें पहले उच्च न्यायालय जाने के लिए नहीं कहा जाए। सिब्बल ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले का भी जिक्र किया, जिन्हें हाल ही में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। अदालत ने कहा कि वो कविता की याचिका पर सीधे इसलिए विचार नहीं कर सकती क्योंकि वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। सिब्बल ने तब कहा कि ईडी के समन के खिलाफ शीर्ष अदालत के समक्ष उनके मामले में दिए गए बयान के अनुसार वो अभी तक एक आरोपी के चरित्र में भी नहीं है। हालांकि अदालत आश्वस्त नहीं थी कि केवल पीएमएलए के प्रावधानों के खिलाफ चुनौती के संबंध में नोटिस जारी किया। अदालत द्वारा आदेश लिखवाए जाने के बाद सिब्बल ने कहा, उन्होंने कहा, जब इस न्यायालय का इतिहास लिखा जाएगा तब यह दौर सुनहरा नहीं होगा। अगर मेरी बात कहने में कोई आपत्ति नहीं है। ईडी ने दावा किया कि कविता शराब व्यापारियों की एक साउथ ग्रुप लॉबी से जुड़ी थी जो 2021-22 के लिए
अब रद्द की गई। दिल्ली आबकारी नीति के तहत एक बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रही थी। यह आरोप लगाया गया है कि मामले के आरोपियों में से एक विजय नायर ने दक्षिण समूह से आम आदमी पार्टी आपके नेताओं की ओर से कम 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली, जो कथित तौर पर शरत रेड्डी के कविता और श्री निवासुलू रेड्डी द्वारा नियंत्रित है। उधर यूपी मदरसा शिक्षा कानून पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। अदालत ने उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक बताया है। बेंच ने कहा कि ये कानून धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है। हालांकि बोर्ड सदस्यों ने कहा कि वो डिटेल जजमेंट का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तब अंतिम फैसला होगा कि ये कानून लागू रहेगा या नहीं। आखिर इस कानून में ऐसा क्या है? यहाँ बताया गया कि यूपी में मदरसा बोर्ड एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, ये कानून मदरसा बोर्ड को कौन कौन सी शक्तियाँ देता है, यह कानून उत्तर प्रदेश राज्य में मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना के लिए बनाया गया था। एक्ट में कहा गया कि शिक्षा संहिता के पैरा 55 में यूपी के अरबी फारसी परीक्षाओं के रजिस्ट्रार को राज्य में अरबी फारसी मदरसों को मान्यता देने और उनकी परीक्षाएं आयोजित करने का अधिकार दिया गया था। पहले इन मदरसों का प्रबंधन शिक्षा विभाग करता था, लेकिन 1995 में अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विभाग का गठन हुआ। उसके बाद मदरसों से जुड़े सभी कार्य उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग से हटाकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधीन कर दिए गए। पहले अरबी फारसी मदरसों का संचालन 1987 के अरबी फारसी मदरसा नियमों के तहत किया जाता था, लेकिन ये नियम किसी अधिनियम के अंतर्गत नहीं बनाए गए थे, इसलिए इन नियमों के तहत मदरसों को चलाने में कई दिक्कतें आती थी। इन दिक्कतों को दूर करने, मदरसों के स्तर में सुधार लाने और वहां पढ़ने वाले छात्रों को बेहतर शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य में मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना करने और उससे जुड़े मामलों को विधि पूर्वक लागू करने के लिए एक कानून बनाने का फैसला किया गया। उधर एल्विश यादव को गौतम बुद्ध नगर जिला कोर्ट से जमानत मिल गई है। एल्विश यादव बीते रविवार को जेल गए थे, वो अगले दिन सोमवार को गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में पेश होने वाले थे, लेकिन उससे पहले वकीलों ने हड़ताल कर दी। लंबी हड़ताल के बाद शुक्रवार को सुनवाई हुई, जिसमें एल्विश यादव को जमानत मिल गई है। जिला न्यायालय में गुरुवार को भी एल्विश यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई थी। पुलिस द्वारा धाराएं बढ़ाने की वजह से ऐसा हुआ। न्यायालय ने सुनवाई के लिए शुक्रवार की तिथि निर्धारित की थी। सेक्टर 20 थाना पुलिस ने रविवार को एल्विश यादव को सांपों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया, जहां पर डीसीपी एसीपी और थाना प्रभारी एल्विश यादव से पूछताछ कर रहे हैं। रिपोर्ट में सांपों की तस्वीर का मामला सही साबित हुआ था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। रविवार को एल्विश यादव को हिरासत में ले लिया गया। रेव पार्टी मामले में एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। सेक्टर 20 थाना पुलिस एल्विश यादव से पूछताछ की। बीजेपी सांसद मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल के एनिमल वेलफेयर ने FIR कराई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सेक्टर 49 इलाके में रेड की थी। इस कार्रवाई के दौरान 5 आरोपी पकड़े गए थे। पुलिस को मौके से 20 मिलीमीटर स्नेक वेनम और 9 जहरीले सांप मिले थे। उनमें 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 दोमुहा सांप और 1 और स्नेक शामिल था। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि एल्विश यादव की पार्टी में वो सांप और जहर की सप्लाई किया करते थे। उसके बाद अब सेक्टर 49 कोतवाली पुलिस ने एल्विश के खिलाफ भी FIR दर्ज कर ली थी। और फिलहाल कोर्ट से जुड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.